नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बिहार की सियासत की बात होगी क्योंकि आज का खेला हो चुका है। बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम में नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही महागठबंधन सरकार का अंत हो गया और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नवी बार सीएम पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते नजर आए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो वहीं बीजेपी कोटे से डॉक्टर प्रेम कुमार, जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और हम कोटे से जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, संतोष कुमार सुमन के साथ निर्दलीय कोटे से सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो रिकॉर्ड नवी बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार, जेडीयू बीजेपी के नेता। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक फुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, बेकारे हो ही गया ना। तो वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था, अब तो मुक्ति मिल गई। फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल एकदम 40-40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे, आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। एकदम 40-40 देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व हम पर विश्वास व्यक्त किए हैं, उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो सेवा की भाव की जिम्मेवारी दी गई है और ये बड़ा अनुकूल वक्त है कि रामलला विराज चुके हैं, राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का हम उत्थान करेंगे, उसका कल्याण करेंगे और किसानों का उस ओर कदम बढ़ाना वो हमारा लक्ष्य है। तो देखिए, दो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के बारे में समझिए, 1999 में राजनीतिक करियर की शुरुआत करी, आरजेडी और जेडीयू में भी जुड़े रहे हैं। इसके बाद बिहार विधानसभा परिषद, विधान परिषद के नेता रहे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। 6 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए, पिछली एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री का जिम्मा संभाला। 27 मार्च 2023 को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। विजय सिन्हा के बारे में समझिए, 4 बार के विधायक, 2 साल विधानसभा स्पीकर के पद पर रहे, बिहार में श्रम मंत्री रह चुके हैं, बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, 1983 में विद्यार्थी परिषद से जुड़े, 1985 में कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं।
तो नीतीश कुमार के खेल के सामने लालू यादव का प्लान फेल हो गया है। नवी बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार, और इसी के साथ जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरे समर्पण भाव से बिहार के परिवारजनों की सेवा करेगी सरकार। तो ये इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट है, नीतीश कुमार को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने कहा कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बिहार में क्लीन स्वीप करेगा एनडीए। एनडीए को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया, साथ में आईएनडीआईए गठबंधन नहीं चलने वाला है, ये कहते नजर आए जेपी नड्डा। हमारा गठबंधन विकास के लिए बेहद जरूरी है। तो आईएनडीआईए गठबंधन नहीं चलने वाला, इस बात को जेपी नड्डा ने दोहराया है। हमारा गठबंधन विकास के लिए बेहद जरूरी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, और समारोह के बाद जब उन्होंने पीसी करी तो इस दौरान बड़ा बयान दिया जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा गठबंधन विकास के लिए बेहद जरूरी था और है, और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि एनडीए आम चुनावों में क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये तो बयान उन तमाम लोगों के थे जिनसे नीतीश कुमार जा मिले हैं, लेकिन जिनसे बिछड़ गए उनका क्या कहना है, उनका क्या कष्ट है, वो भी समझिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया इस बीच, उन्होंने कहा कि हमने बिहार में ऐतिहासिक काम किया है, असली खेला अभी भी होना बाकी है, 2024 में जेडीयू का खात्मा हो जाएगा। बीजेपी को मेरी शुभकामनाएं, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया और खेल को भी बिहार में तवज्जो दी गई है। चौबीस में जेडीयू का खात्मा हो जाएगा, ये तेजस्वी कहते नजर आए। बीजेपी को मेरी शुभकामनाएं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है
और खेलों को भी तवज्जो दी। तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी दो चीज हम बता देना चाहते हैं का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का, ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे रहे हैं। ये दोनों मैंने, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद दो मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ आज आपको इसकी घोषणा भी हम अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। अरे आप तो जान ही रहे, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकार में बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। ये सब भूलता है कोई? मैं शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना, इससे ज्यादा भी हम। तो बिहार की सियासत के बाद अब मुखर होने लगी है आवाज पड़ोसी राज्य से भी, यानी कि उत्तर प्रदेश से भी। बिहार की सियासत पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया, बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी, आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है, जनता इसका करारा जवाब देगी। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन विपक्षी दलों में खलबली और हाहाकार है। सपा सुप्रीमो के बाद सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया, तेजस्वी और लालू ने इस बारे में संकेत दिया था, वो कह रहे हैं आज ये सच हो गया, ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं, आया राम गया राम। राम गया राम बहुत लोग, ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत लोग, ये सूचना तो हमको बिहार के पॉलिटिक्स में, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन 23 जून को नीतीश कुमार जी ने 18 विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया था, पटना में बैठक हुई, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई, और तीनों बैठकों में नीतीश जी का बड़ा योगदान रहा। तो हम मानकर चल रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी की विचारधारा को हराने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। अभी अगले 2-3 दिन में क्या होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। बिहार के पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर हम चाहते हैं
कि जो इंडिया गठबंधन 23 जून को नीतीश कुमार जी ने 18 विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया था, पटना में बैठक हुई, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई, और तीनों बैठकों में नीतीश जी का बड़ा योगदान रहा। तो हम मानकर चल रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी की विचारधारा को हराने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से आ रही खबर का रुख करते हैं। अयोध्या पुलिस की गौ हत्या करने वाले दो अभियुक्तों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि गौ हत्या के मामले में अभियुक्तों की फोटो तेजी से वायरल हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दोनों अभियुक्तों पर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा टल गया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर पलटा है टैंकर। टैंकर में एथेनॉल भरा हुआ था। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करने के बाद जिस तरीके का उनका भव्यतम दिव्यतम स्वागत हो रहा है, देखिए गणित में भी इतने फॉर्मूले नहीं होते हैं जितने फॉर्मूले संभावित सियासत में होते हैं। और फिर हाल उन संभावनाओं के पार जाते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में, या यूं कहें कि एनडीए खेमे में शामिल हो गए। और इस खेमे में शामिल होने के साथ 128 का जादुई आंकड़ा छूते हुए नीतीश कुमार भाजपा की बारात में दूल्हा बने हैं, जिसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा के पहुंचने पर भव्यतम स्वागत हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ का जिक्र जरूरी, जहां पर बड़ा हादसा टल गया। असल में लखनऊ कानपुर हाईवे पर टैंकर पलटा था और टैंकर में एथेनॉल भरा हुआ था। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और सीएफओ, पूरे इलाके की लाइटों को बंद करवा दिया गया है। एथेनॉल फैलने से बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। दमकल की गाड़ियों ने हाईवे को पूरी तरीके से साफ किया है। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही हैं। लखनऊ का कानपुर हाईवे पर एथेनॉल से भरा ट्रक पलट गया। इस ट्रक के पलटने से एथेनॉल सड़क पर फैल गया। एथेनॉल से भयानक ब्लास्ट हो सकता था, जिसे समय रहते रेस्क्यू करते हुए टाल दिया गया। मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा, यानी कि 6 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी फायर ब्रिगेड की। घटना के तुरंत बाद सड़क को पानी से धुलवाया गया है। इस दौरान पूरे इलाके की लाइटों को बंद करा दिया गया। आपको ये जानकारी, ये समझकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि एथेनॉल में अगर इलेक्ट्रिसिटी या करंट, या यूं कहें कि आग का टच जरा सा भी होता है, तो वो बड़े ब्लास्ट में तब्दील हो जाता है। ऐसे में इसको फायर ब्रिगेड की और पुलिस की मुस्तैदी का एक बेहतरीन नमूना माना जाए तो गलत नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का जिक्र करते हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। जिंदा जले एक ही परिवार के 5 लोग, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल है, 3 मासूम बच्चे। पुलिस को हत्या की आशंका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है और परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बरेली जिले के फरीदपुर में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। शनिवार की रात परिवार कमरे में सोया हुआ था। रविवार की सुबह पड़ोसियों ने मकान से
धुआं निकलते देखा और शोर मचाया। बहुत ही दुखद घटना है, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। श्री अजय गुप्ता, उनकी पत्नी अनिता गुप्ता और 3 बच्चे थे। फरीदपुर कस्बे में ये घटना हुई है और अभी मैं मौके पर हूँ। SDM है, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ जाके वापस गए हैं। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है और हम लोग किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को कंपेंसेशन देने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर, आग लगी हुई थी घर में, बाहर से ताला लगा हुआ था, मेरी फैमिली पूरी अंदर थी। मुझे इस घटना का यही है कि इसमें खाली वो करा हुआ है, कत्ल करा हुए हैं ये। मैं 2 मियाँ भाई, भैया भाभी हैं मेरे, 2 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 2 लड़के हैं, 1 बड़ा लड़का, 1 छोटा लड़का है और 1 लड़की है। सुबह जानकारी है, सुबह जब उठ के हम तो गए थे बाजार, सुबह हमारे तहरे भाई हैं मोटरसाइकिल निकालने गए थे तो उन्होंने आवाज़ दी, तो आवाज़ नहीं आई, तो उनसे बराबर वाले पड़ोस गए थे तो उन्होंने कहा आग लगी हुई है। जब उन्होंने पहले बाहर का गेट तोड़ा, ताला तोड़ा, उसके बाद अंदर वाला ताला तोड़ा तो देखा कि आग लगी हुई है पूरे कमरे में। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।